Sir, your shot is ready. I am not ready. Abhishek, I'm sorry. मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया. मुझे तुमसे कुछ खास बात कहनी है. इतने अरसे बाद तुम मुझसे मिल रही हो, इससे ज्यादा खास बात क्या हो सकती है प्रिया? I want to marry you, Abhishek. मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ. मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ. तुम यहां ये कहने के लिए हरगिज नहीं आई हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बल्कि ये जानने के लिए आई हो कि मैं तुम्हारे इस बच्चे का जिम्मेदार हूं या नहीं. नहीं. तुम ये जानने के लिए आई हो कि मैं इसे अपना नाम देने के लिए तैयार हूं या नहीं. नहीं. प्रिया, तुम ये जानने के लिए आई हो कि मैं अपनी दीदी की इजाजत बगैर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं या नहीं. लेकिन तुम ये जानने के लिए नहीं आई कि उस रात के बाद मुझ पर क्या गुजरी. एक एक लम्हा मेरे लिए जैसे मुद्दत की तरह गुजरा. हर आहट पे समझा कि तुम आ गई. हर टेलीफोन की घंटी पे ऐसे लगा जैसे वो तुम्हारा टेलीफोन हो. लेकिन नहीं, मैं कितना तन्हा और मजबूर हो गया. मैं तुम्हारे प्यार में कितना प्यासा और कमजोर हो गया कि हवा का एक हल्का सा झोंका भी मुझे तिनके की तरह उड़ा दे सकता है. ये मैं किस जुर्म की सजा पा रहा हूं? ये किस जुर्म की सजा पा रहा हूं बताओ? ये किस जुर्म की सजा है बोलो? ये किस जुर्म की सजा? नहीं अभिषेक, ऐसा मत कह. मेरा हर पल हर लम्हा तुम्हारी याद के बगैर नहीं गुजरा. हर पल में तुम्हारा प्यार शामिल रहा. मेरी आंखों के आंसू में तुम्हें तुम्हारे प्यार का सबूत मिल जाएगा. जब मुझे तुम्हारे प्यार की निशानी का पता चला तो मैं अपने होश खो बैठी और तुमसे मिलने चली आई. मुझे माफ कर दो अभिषेक. जबकि मैंने अपनी मां को जुल्म सहते हुए देखा, फिर मेरी आत्मा की एक आवाज गूंज उठी, मां, मां! Thank you.
क्यों निकल आई हो? बाहर ना आती तो क्या तुम्हारे और परवीन के ऐसे सीन्स देखती रहती मैं? जो रिश्ते हम दोनों की निजी जिंदगी में है उन्हें तुम पर्दे पे किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ करो। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। धीरे बोलो, ये प्रेशर है प्रिया। फिल्म का हर किरदार डायरेक्टर की सोच से पैदा होता है और फिर मैं वही कर रहा हूं जो कि स्क्रिप्ट डिमांड करती है। प्रिया, ये रोल मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रोल है। आई एम प्लेइंग माई सेल्फ। वो जो कैरेक्टर देखती हो ना स्क्रीन पे, वो मैं हूं। मैं अभिषेक। आई एंजॉय डूइंग दिस रोल माई लव। मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, तुम्हारी बीवी भी हूं। मुझसे ये सब नहीं देखा जाता अभिषेक। आई लव यू। मुझे मालूम है। यू आर माइन अलोन। मुझे मालूम है प्रिया। आई नो इट। आई लव यू टू। चलो चल के फिल्म देखते हैं। आपने मुझे याद किया दीदी। हाँ अभिषेक, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बताइए। ये फिल्म मैगजीन्स में छपती खबरों को मैं सच नहीं मानती, पर तुम्हारी और प्रिया की शादी की खबरें हर मैगजीन में छप रही हैं। अब तुम ही बताओ, क्या ये खबरें फिल्मी हैं या? हर एक फिल्मी खबर अफवाह नहीं होती दीदी। ये सच है कि हमने शादी कर ली है। हाँ दीदी, बगैर किसी रस्म रिवाज की शादी। ना कोई शहनाई, ना कोई फूल, ना कोई अंगूठी। बस दो दस्तखत। दीदी, हमने जो कुछ भी किया वो एक लम्हे में कर लिया। और फिर हमने शादी करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि हम अपने बच्चे को अपना नाम देना चाहते हैं। बच्चा? हाँ दीदी, प्रिया मां बनने वाली है, मेरे बच्चे की मां। दीदी आप अंदर आइए ना। आइए आइए ना। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं थैंक्स। मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो। मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हारा प्यार अभिषेक के लिए इबादत है, लेकिन इंसान जो चाहता है उसका होना मुमकिन नहीं। जी मैं समझी नहीं। इंसान को अपनी मोहब्बत के लिए कभी कभी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे अभिषेक के लिए तुमसे बेहतर लड़की हो ही नहीं सकती तो तुम्हें शायद यकीन न हो, मगर यह सच है। एक सच और भी है, जैसे मैं 28 सालों से अपने सीने में छुपाए हुए हूं, उस सच की कड़वाहट मुझे एक पल के लिए चैन भी नहीं लेने देती। अभिषेक का जो चेहरा तुम आज देख रही हो वो उसका चेहरा नहीं, नकाब है। नकाब? नकाब?
यस टुमारो 10 o'clock शार्प। यस थैंक्स। शिवानी। यस डॉक्टर। देखो जरा वार्ड नंबर 5 में जाकर पेशेंट का बीपी चेक करो। ओके। यस कम इन। हेलो प्रिया, कम सिट डाउन। थैंक यू प्रिया। कल तुम्हारे जाने के बाद मैंने अभिषेक की दीदी से मुलाकात की, उन्होंने मुझे ये फाइल दी। इस फाइल में अभिषेक की बचपन से लेके अब तक की बीमारी की सारी रिपोर्ट्स हैं। मैंने इस फाइल की स्टडी की और दूसरे स्पेशलिस्ट की भी राय ली। बट आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू कि सबों का यही कहना है कि अभिषेक की इस बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं। हाँ प्रिया, ये एक ऐसी बीमारी है जो उसके बच्चे पर भी असर करेगी। मेरी राय में दीदी ने जो कुछ भी तुमसे कहा वो तुम्हारे और अभिषेक की भलाई के लिए ही कहा। आई वुड ऑल्सो से द सेम थिंग। प्रिया प्रिया लिसन, इट्स ऑल डेस्टिनी, यू हैव टू फेस इट। ओ प्रिया, हाय हाय, कम इन, कम प्रिया। लगता है तुम फिर अभिषेक के साथ झगड़ा करके आई हो। कम ऑन हैव इट। नो थैंक्स। व्हाट, तुम और सिगरेट से इनकार? हाँ शारन, मैंने सिगरेट छोड़ दी है। अभिषेक को भी अच्छी नहीं लगती, अब तो सिगरेट से भी घुटन कम नहीं होती। क्या हुआ प्रिया, मैंने तुम्हें पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा। हाँ शारन, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं रहा। क्या सोचा था मैंने, क्या पाया है? क्या हो गया प्रिया, आखिर क्या बात है? मेरा बच्चा। क्या हो गया बच्चे को? अब मैं कभी मां नहीं बन सकूंगी शारु। प्रिया क्या कह रही हो? बहादुर मैम साहब को फोन देना, हॉस्पिटल गई हैं। अच्छा थैंक यू। यस प्लीज। सनशाइन नर्सिंग होम। यस। क्या मैं प्रिया से बात कर सकता हूँ? आप कौन? मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। ओह मिस्टर अभिषेक, प्रिया अपने घर चली गई हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। सिर्फ 2 ही महीने का केस था। नो! शिवानी, किसका फोन था? अभिषेक का फोन था, प्रिया के बारे में पूछ रहे थे। तुमने क्या कहा? यही कि अबॉर्शन सक्सेसफुल हो गया। ओह माय गॉड, व्हाट हैव यू डन? प्यार से न देखा एक बार, मैं खड़ा रहा निहार खा रहा तुम्हें। तुम न सुन सके सदा जो मेरे दिल से आ रही थी, मैं मगर पुकारता रहा तुम्हें। जिंदगी की राह में छुड़ा के हाथ तुम, मगर चले गए तो चोट क्यों लगे मुझे। रोशनी तुम्हारे भाग में लिखी हुई है और मेरे भाग में दी तुझे तुझे। अब ये सोचता हूँ दिल के आईने में, इसलिए मैं रात दिन उतारता रहा तुम्हें। तुमने मुझको प्यार से ना देखा एक बार, मैं लड़ा रहा निहारता रहा तुम्हें।
नसीब है कि जिंदगी की राह में न तुम मिले न घर मिला न रास्ता। एक तुम्हारी जुस्तजू में बन के रह गई ये जिंदगी किसी शिकस्ता दिल की बद्दुआ। तुमको जीतने के दांव ढूंढता रहा मगर कदम कदम पे हारता रहा तुम्हें। तुमने मुझको प्यार से न देखा एक बार मैं गड़ा रहा हारता रहा तुम्हें। मेरी प्रिया कैसे कदर मिले हैं गम की अब किसी भी बात पे न दिल दुखे न दर्द का पता चले। लाख कोशिशें करोगे फिर भी कम ना हो सकेंगे दो दिलों में हो गए जो फासले। जानता तो ख्वाब है ये टूट जाएगा किसी घड़ी मगर हारता रहा तुम्हें। तुमने मुझको प्यार से न देखा एक बार मैं गुजारा हारता रहा तुम्हें। मेरी प्रिया कैसे आके हेलो ज्योति आफ्टर सो मेनी इयर्स अब क्या पूछना चाहते हो। आई होप मेरी वजह से कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। आनंद साहब इस बार एक्सीडेंट हुआ है अभिषेक का, वो भी प्रिया की बेवफाई की वजह से। इसके बारे में आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? ज्योति जहां तक प्रिया को मैं जानता हूं वो एक नेक और खुददार लड़की है। उसने जो कुछ भी किया होगा आप उसकी तारीफ कर रहे हैं जिसने एक छोटे से हादसे के बाद आपके साथ फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया और आपके सारे एहसान भुला दिए। हाँ ज्योति, एक फिल्म मेकर और एक फिल्म जर्नलिस्ट में यही तो फर्क है कि एक फिल्म मेकर रिश्तों को महसूस करता है, उस पर लाखों की लागत करके फिल्म बनाता है। He risks all his money, his whole career on it. और एक फिल्म जर्नलिस्ट रिश्तों की झूठी लकीरों पर अपने मैगजीन्स के सेल्स बढ़ाता है। आई होप आई डोंट ऑफेंड यू। Good night.
हरियाणा वापस ला दो भगवान, मेरे अभिषेक को बचा लो।